नमस्कार श्रोताओं, रविंद्र जी, अब तक हमने जो चर्चा की है, जो उदाहरण आपने हमें दिए, इसमें विविध तालों पर आधारित गीत जिसमें तबला वाद्य की प्रमुखता थी जी, उस पर बात हुई। और फिल्म संगीत की शुरुआत में तो तबला एक प्रमुख ताल वाद्य था संगति का। हाँ हाँ। लेकिन फिर ढोलक भी एक ताल वाद्य के रूप में आया। हाँ। तो फिल्म संगीत में तबले का जो दौर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तबले ने कैसे अपना रंग बदला, कैसे नूर बदला तब, ताकि उसे ढोलक के साथ आगे बढ़ना था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है वो शुरू में हमने तबले के जो शास्त्रीय संगीत के ताल है जी, जी, वो ताल कैसे इसमें भी आए है इसके बारे में चर्चा की। फिर उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो ताल किस तरह से आए जी। तो शुरुआती दौर जो है इसमें प्रमुखता तबले की थी, लेकिन फिर तबला जो है वो उसके जो सीने संगीत का जो दौर है उसमें उसमें कई सारे परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन जो है तबला वाद्य का वो आया ढोलक वाद्य के संग में। तो उत्तर प्रदेश का ये ढोलक वाद्य जो है वो काफ़ी लोकप्रिय वाद्य है और उसका एक अपना ढंग है, बजने का ढंग है। जैसे हम लोग तबला में सोलो बजाते हैं, स्वतंत्र वादन करते हैं, वैसे ढोलक में भी स्वतंत्र वादन किया जाता है। अच्छा। तो इतना सारा साहित्य उसमें भी उपलब्ध है। अभी विशेषता ये है कि तबला जो है वो बंद बोल वाला है, इसमें शाही लगी हुई है जी। ढोलक में शाही नहीं है, शाही नहीं होती, वो खुला बजता है जी। तो ये दोनों का जब मेल होता है तब एक कर्णमधुर ऐसा संगीत उसमें से उत्पन्न होता है जी। जी। तो हमने जैसे कहा कि कहरवा और दादरा ये दो ताल ऐसे हैं जी कि जिसमें कई सारे गीत बने हैं और वो अलग अलग पैटर्न से बने हैं, तो वो पैटर्न की वजह से वो अलग लगते हैं जी। जी। तो ढोलक के संग में तबला जब बजा, पैटर्न भी बदले, ढोलक के अनुसार कुछ पैटर्न उसमें आ गए और वो पैटर्न आने की वजह से वो गीत और भी सुंदर लगने लगा और भी अच्छा कर्णप्रिय लगने लगा। तो अभी जो कहरवा है वो कहरवा केवल धागे नाथिना कठिना धागे नाथिना, ये मूल ठेका जो है ये जब ढोलक के संग में तबला बजता है हाँ। तब ढोलक का अपना एक कहरवा बज रहा है और उसके साथ में तबले पर कहरवा जो है, कहरवा ढोलक और तबले का मिला जुला फिल्मी गीतों में बजने लगा तो उसकी खूबसूरती बढ़ गई। क्या बात है। और मिसाल के रूप में हम कौन सा गाना सुनेंगे इसमें? मिसाल के तौर पर मैं ना एक ढोलक का एक लहजा रखने वाला गीत जो है जी वो सुनाना चाहूँगा, दिल पुकारे आरे आरे, ज्वेल थी फिल्म का गीत जी। जी 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 जी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ें हैं, SD बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन।
पीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीतकार सचिन देव वर्मन ढोलक और तबले की खूबसूरती इस गीत में हमें दिखाई दी। रविंद्र जी, ये तो बात थी ढोलक और तबले के संयोग की, इससे जो नाद बना और ताल संगति हुई। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत के जो ताल वाद्य हैं, हाँ, उनका भी हमारे देश में प्रवेश हुआ, हमारे संगीत में प्रवेश हुआ। हाँ जी। कोंगो है, बोंगो है, ड्रम सेट भी, इस तरह के वाद्य जो आए, तो इस दौर में तबले का स्थान क्या है? बड़ा अच्छा स्थान रहा है तबले का इस दौर में भी। जी, क्योंकि ऐसा है कि हमारे फिल्म संगीत में कई सारे गीत ऐसे हैं कि जिसमें तबला जो है वो मेन सिंगर, मतलब जहाँ गीत चल रहा है, गाना चल रहा है जी, तो उसकी संगत कर रहा है तबला जी, और बीच में जो इंटरलूड बजते हैं वो इंटरलूड मतलब म्यूजिक जो होता है बीच वाला दो अंतरों के बीच में जी, तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक है और वेस्टर्न के सारे पर्कशन उसमें बज रहे हैं जी जी, ऐसे कई गाने हैं। हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं सुनवाना चाहूंगा जी, नौशाद साहब का ही एक गीत है, आज की रात मेरे दिल का सलाम ले ले, राम और श्याम फिल्म जी, का जी, गीत जी, बहुत सुंदर रचना है और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत का बड़ा अच्छा मेल देखने को मिलता है जी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज्म से दीवाना चला
दीवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। चम रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। श्रोताओं, फिल्म राम और श्याम का गीत आप सुन रहे थे, रफी साहब का गाया हुआ, संगीतकार नौशाद। और इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हमारी आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।